दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही कम कपड़े में से ब्लाउज कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है, ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा है और बहुत कम कपड़ा है, लेकिन हम इसको 34 साइज तक का ब्लाउज बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से है ये पीस हमारा। तो आपको कपड़े की जो है विड्थ बता देती हूँ। तो देखिए, इसकी विड्थ हमारी 13.5 इंच है, जबकि हमारी ब्लाउज की लंबाई बैक में 12 इंच है और फ्रंट में 13.5 इंच है। तो उसके हिसाब से हमारा ये करेक्ट आएगा। खाली हमको नीचे इसकी फिनिशिंग के लिए पट्टी अटैच करनी पड़ेगी। और इसका देखिए जो लंबाई है कुछ इस तरह से है, लंबाई इसकी 38 इंच है। तो इसमें से हम 34 साइज तक का ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के टुकड़े तब बहुत ही सुंदर ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए, इसको अभी मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया है, तो डायरेक्ट मैं पहले इसी पे कट कर लेती हूँ और इसी ड्राफ्ट को रख के लाइनिंग भी कट कर लूँगी। तो देखिए, आगे पीछे दोनों पीस मैंने एक ही साथ कट करने के लिए इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि जो हम ब्लाउज बनाएंगे वो डॉट वाला बनाएंगे, तो उसमें खाली मुड्ढे में शेप चेंज करनी है, बाकी सब सेम रहती है। तो जैसे मैंने बताया, इसकी लंबाई देखिए 14 इंच के आसपास आ रही है, लेकिन तैयार में आपकी 13 इंच हो जाएगी। नीचे हम पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हम इसको डीप नेक में बना रहे हैं, तो शोल्डर 5.5 इंच ले रहे हैं। मुड्डे 6 इंच और कपड़े को बराबर से फोल्ड कर ले, जैसे कि आपके आगे पीस जो है आगे पीछे नहीं होंगे। तो देखिए, ये इस तरह से हमने सेट कर लिया, ये हमारा 10 इंच आ रहा है। और अभी हम इसकी इस तरह से 1.5 इंच की यहाँ पर गुलाई दे देते हैं। आगे की गुलाई हम बाद में एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, अभी एक साथ बैक और फ्रंट दोनों कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो पीस है ये भी आप इसमें नीचे यूज कर सकते हैं। अभी हम दोनों पीसों को अलग कर लेते हैं, जो सेंटर से इसको कट कर देते हैं। अभी मैं क्या है, इन दोनों पीसों को निकाल देती हूँ। इसकी ओपनिंग में बैक साइड में रख रही हूँ, आप फ्रंट में भी चाहें तो रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट का नेक कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं नेक को ब्रॉड ले रही हूँ, 3 इंच लिया है, और इसकी जो गहराई ले रही हूँ ये मैं 6 इंच ले रही हूँ। तैयार में 5.5 इंच आएगा। आप कोई भी साइज का बनाते हैं, हाफ इंच नेक में एक्स्ट्रा मार्जिन लें, क्योंकि शोल्डर पर स्टिचिंग हो जाएगा तो उससे कम हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसकी गुलाई दे दें इस तरह से 1.5 इंच की। मैं यहाँ पर थोड़ी सी शेप देने वाली हूँ इसकी। तो यहाँ से हम थोड़ा इस साइड में लेंगे, हमने 3 इंच का मार्जिन किया है, यहाँ पर थोड़ा सा हाफ इंच इस तरह से लेके और इसको इस तरह की गुलाई देंगे। ये थोड़ा सा वी नेक के टाइप हो जाएगा। सेम ड्रॉ पर कट कर देंगे। देखिए, मैंने ये कट कर दिया, और इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास और नेक पट्टी भी कट कर सकते हैं। अभी जैसे ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है, और सेम ड्राफ्ट के हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। अभी बैक का आपको मार्किंग बता देती हूँ नेक के। इसको भी मैं शोल्डर से 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसको मैं थोड़ा ब्रॉड रखना चाह रही हूँ, और लंबाई आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। तो मैं 10.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि डीप नेक बना रही हूँ। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आप चाहें, राउंड स्क्वायर जो भी है। तो मैं अभी इसमें राउंड शेप दे देती हूँ, तो नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड कर देना। सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लें। अभी सेम ड्राफ्ट रख के मैं लाइनिंग भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने आगे पीछे दोनों ड्राफ्ट रख के लाइनिंग कट कर लिया है, और अभी आपको प्लेट की मार्किंग बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप सिलने का तरीका है आपको यही बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ब्लाउज को इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से सेट कर लेंगे चारों तरफ से, और उसके बाद फिर इसमें प्लेट डालेंगे। तो अभी क्या करें, आप जैसे आपने ये स्टिच कर लिया है, अभी हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं प्लेट के। तो मार्किंग लाइन पे आएगी हमारी। तो सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट की मार्किंग करते हैं। तो देखिए, नीचे से 4 इंच ले लें, और इसमें हमारी 1.5 इंच की प्लेट आ जाएगी, और जो प्लेट है ये हमारी 5 इंच लंबी रहेगी।
और ये प्लेट हमारी कुछ इस तरह से आई है। ये तो हमारी नीचे की प्लेट है, अभी हम प्लेट डालेंगे ऊपर की साइड। तो यहाँ पे हम प्लेट इस तरह से यहाँ से मेजरमेंट ले लें, नेक से 2.5 इंच ले लिया और यहाँ पे 3 इंच लंबी प्लेट डाल दें। तो हमारा इसकी ओपनिंग जैसे मैंने बताया बैक साइड में, तो ये प्लेट जो बीच वाली दोनों साइडों में एक ही प्लेट आएगी, ये इस तरह से आएगी। एक प्लेट हमारी मुड्डे की तरफ से आएगी, तो मुड्डे की तरफ से इस तरह से टेप को क्रॉस में रख लेंगे और इसकी जो चौड़ाई लेंगे, लंबाई इसकी 4.5 इंच। और देखिए ये भी ज़्यादा नहीं लेते हैं हम, साइड की प्लेट कम ही रहती है हमारी। तो ये हमारी हम इसमें 3 डॉट ही डालेंगे और इसी तरह मार्किंग अब इस साइड में कर लें। इसकी सिलाई मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और मैं इसको स्लीवलेस बनाऊंगी, तो जो पट्टी बचती हैं इन पट्टियों को क्रॉस में कटिंग कर लें 1 इंच चौड़ी और आर्म होल की फिनिशिंग दे देंगे। और जो नेक का हमारा ड्राफ्ट निकला है इस ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर लें और नेक पट्टी भी कट कर लेंगे दोनों। और उसके बाद मैं बैक साइड में डिजाइन डालने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।